नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज़। देखिए, एसीएस के पाठक पहले शिक्षा विभाग में थे, लेकिन अब उनका तबादला कर दिया गया है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। और इस बात से लेके के पाठक नाराज हैं, ऐसी खबर निकल कर आ रही है। आप सभी को पता होगा के पाठक इस वक्त छुट्टी पर हैं। 3 जून से लेकर 30 जून तक के पाठक की छुट्टी है, और इसी बीच उनका तबादला कर दिया गया है शिक्षा विभाग से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। इस तबादला से के पाठक नाराज है, जिसको लेकर के पाठक ने अपने कार्यालय में फोन कर जो नेम प्लेट लगाया गया था उनका भूमि सुधार एवं राजस्व विभाग में, वहां से अपना नेम प्लेट हटवा दिया है। के पाठक अभी शिक्षा विभाग को छोड़ना नहीं चाहते और राजस्व विभाग में अभी ज्वाइन नहीं करना चाहते, इसी को लेकर के पाठक की यह नाराजगी है। आप सभी को पता है के पाठक जब से शिक्षा विभाग में आए हैं, कड़े फैसले को लेकर वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। कभी कोई नेता उनका बराई करते हुए नजर आते हैं, तो कभी कोई नेता उनकी शिकायत करते हुए भी नजर आते हैं। पेरेंट्स कभी उनका बराई भी करते हैं किसी फैसले के लिए, तो किसी फैसले के लिए उनकी शिकायत भी करते हुए नजर आते हैं। अभी हाल फिलहाल में छुट्टी पर जाने से पहले के पाठक के 2 फैसले थे जिसको लेकर खूब बवाल मचा। सबसे पहला तो उनका जो फैसला था वो छुट्टी को लेकर के पाठक पहले छुट्टी दे नहीं रहे थे, उसके बाद जब छुट्टी दिए सरकार के द्वारा, जब छुट्टी दी गई तो उसमें भी उन्होंने संशोधन कर दिया। सरकार का आदेश था कि 8 जून तक स्कूल को बंद रखना है, लेकिन के पाठक ने उसे संशोधित कर दिया और संशोधित करते हुए कह दिया कि स्कूल खुले रहेंगे, शिक्षक आएंगे, बच्चों को छुट्टी मिलेगी। जिसके बाद से शिक्षक काफ़ी नाराज थे, गर्मी के कारण कई शिक्षक बेहोश भी हुए, इस बात की भी खबरें चली, लेकिन के पाठक इन सबसे बेखबर अपने आदेश को दे दिए और उसे पालन करने के लिए मजबूर करते रहे शिक्षकों को। उसके बाद एक और उनका आदेश था जिसमें वो स्कूल को 6 बजे से 12 बजे के बीच चलाने की बात कह रहे थे। उनका आदेश भी था जिसको लेकर भी शिक्षक काफ़ी नाराज चल रहे थे। शिक्षकों का कहना था कि 6 बजे स्कूल ज्वाइन करने के लिए 4 बजे उन्हें उठना पड़ता है, जिससे काफ़ी समस्या होती है। उस समय खाना पीना खाने में भी दिक्कत होती है, खाना बन नहीं पाता उतना सुबह। तो इसको लेकर भी के पाठक जो थे वो हड़े हुए थे और वो कह रहे थे कि जो आदेश हो गया वो आदेश हो गया। लेकिन जैसे ही के पाठक छुट्टी पर गए, उनका जो कार्यभार था वो संभाला एसीएस एस सिद्धार्थ ने, जो कि मुख्य सचिव भी हैं। उनके इस कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने के पाठक के कई आदेशों को पलट दिया, कई आदेशों का संशोधन कर दिया। उनमें से ये 2 आदेश भी थे जिनमें छुट्टी की गई, शिक्षकों को भी छुट्टी पर भेजा गया, स्कूल बंद हो गए और जो स्कूल का जो समय था वो 6 से बढ़ाकर 6:30 कर दिया गया। तो के पाठक लगातार अपने कड़े फैसले को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और लगातार के पाठक कह सकते हैं कि बेबाकी के साथ अपनी बातों को राज्यपाल है उनके खिलाफ भी रख देते हैं, शिक्षा मंत्री है उनके खिलाफ भी रख देते हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री के आदेश को तो ऐसे अनसुना करते हैं जैसे बिहार के मुख्यमंत्री ने कोई आदेश उन्हें दिया ही नहीं। तो ऐसे में के पाठक का ट्रांसफर जो है वो किया गया शिक्षा विभाग से, उन्हें हटा दिया गया और उन्हें भेजा गया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। सब ये उम्मीद लगाए बैठे थे कि के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में छुट्टी से लौटते ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते अपनी सेवा देना शुरू करेंगे, और इस दरमियान जो उनके कड़े फैसले हैं वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भी देखने को मिलेंगे। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि के पाठक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, वो नाराज है अपने इस ट्रांसफर को लेकर। इस पर जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे। जुड़े रहिएगा दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।